हेलो डियर फ्रेंड, तो वेलकम है आपको व्लॉग टेक में। और आज की जो मेरी वीडियो है वो टेक के रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना डिसेबल फेसबुक अकाउंट कैसे रिकवर कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इजी है, सिर्फ दो स्टेप हमने करने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपका अकाउंट रिकवर हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरा जो अकाउंट फेसबुक पे डिसेबल हुआ है, मैं उस पर आता हूँ। ये जो मेरा सेकंड अकाउंट है शानी का और क्यूट के नाम से, ये डिसेबल हो गया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। तो कुछ यो लोग यहाँ से ही गो टू हेल्प सेंटर पर जाते हैं और आगे जाके कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ्रेंड जाना पड़ेगा अपने गूगल में। गूगल में जाके हमें टाइप करना पड़ेगा माय पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है माय पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल। और यहाँ पर हमें जो फर्स्ट में ही लिंक मिलेगा, ये देखिए माय पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल फेसबुक, इस लिंक पर हमने क्लिक करना है और एंटर होना है। जैसे ही हम इस क्लिक को एंटर करेंगे, कुछ इसका इंटरफेस है वो आपके सामने भी आएगा। मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। जी फ्रेंड, तो जी ओपन होकर आ गया है। अगर आप किसी अरब कंट्री में, तो ये अरबी में आएगा, जिसको कि मुझे इंग्लिश में करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे कंट्री में ये इंग्लिश में ही आएगा। जी फ्रेंड, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ये हमें प्रोवाइड करनी है, जैसा कि आपकी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इस पर प्रोवाइड ही थी। और सेकंड थिंग है जी फुल नेम, आईडी नेम क्या था, वो जो भी आपका नाम हो वो आपने ऐड करना है। जो मेरी आईडी का नाम था वो था शानी क्यूट, तो सो मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद हमको चाहिए फ्रेंड्स एक यहाँ पे चूज़ फाइल की। जी फ्रेंड, तो जी थर्ड ऑप्शन है चूज़ फाइल का। यहाँ पर हमने एक पिक्चर अपलोड करनी है अपने आईडी कार्ड की। जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक बहुत से फेक अकाउंट है जो कि डिसेबल कर रहा है, परमानेंटली डिलीट कर रहा है। तो वो ऐसे में फेक अकाउंट कोई भी फेसबुक पर अब रहने वाला नहीं, तो उसके लिए वो कुछ यहाँ पे हमसे प्रूफ मांगता है कि आप वाकई में रियल आपका अकाउंट है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर अपलोड करने के लिए ये बोल रहा है। अगर हमें अपना फेसबुक यूज़ करना है, कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पे हमें अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो देनी होगी उनको एक दफ़ा, जो कि वो 30 डेज़ के अंदर अंदर डिलीट कर देंगे चैनल हमारा अकाउंट रिकवर करने के बाद। तो प्लीज़ हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अपना आईडी कार्ड अपलोड करने में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फ़ोटो ले रखी है, चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करूँगा और फाइल में जाके वहाँ पे मैं अपने आईडी कार्ड की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करूँगा। या आपका कोई आधार कार्ड या किसी भी किस्म का गवर्नमेंट कार्ड है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अपना आईडी कार्ड जो कि वो सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मेरे से सिलेक्ट अच्छी तरीके से नहीं हुआ, दोबारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये देखें, ये अपलोड हो रहा है। बस इतना काम है, इसके बाद हमें ओके सेंड पर क्लिक करना है और सेंड कर देना है। ये देखें, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, हमारा इतना काम हो चुका है। सेकंड स्टेप जो फ्रेंड है, अगर हम इतना भी काम कर लेंगे तो ये 99% हमारा अकाउंट रिकवर हो जाएगा। पर हमें एहतियातन एक दूसरे लिंक पर जाके वहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। डिसेबल एलिजिबल लिखेंगे तो यहाँ पे एक लिंक ओपन होगा, ये फर्स्ट में जो है इसको हमें क्लिक करना होगा। अगर हम इस क्लिक को भी फिल कर लेते हैं और सेंड कर देते हैं, 110% हमारा अकाउंट जो फेसबुक वो रिकवर करेगा ही करेगा। यहाँ पे हमें देना क्या है जी, अपने आईडी का नेम, फुल नेम, जो भी आपकी आईडी डिसेबल हुई है उसका नेम, किस नेम से थी उसका नेम दे दिया आप यहाँ पे।
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, पर आपको 13 साल से बड़ा होना चाहिए फेसबुक यूज़ करने के लिए। तो आप यहाँ पे ओरिजिनल भी दे सकते हैं अगर आपको याद है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप वो दे दें। तो यहाँ पे मैं अपना ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगा रहा हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड जो है वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरा जो, झूठ भी बोल सकते हैं कि मेरा जो फ़ोन था वो मेरा बेबी यूज़ कर रहा था या कोई बच्चा यूज़ कर रहा था, जो जिससे कि कुछ गलत एक्टिविटी हुई, कुछ फ्रेंड का ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया, या कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, पर आप मेरे से भी अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपको यही जो मैंने लिखा है ये लिखना है, तो ये इसको मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने लिखा क्या है जी, माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी सॉल्व दिस इशू, माई फेसबुक अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज़ हेल्प मी। आप यहाँ पे कुछ अच्छा, बेहतर और लंबा भी लिख सकते हैं, पर अगर आप इतना भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी करके सीधा पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे मैं इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और नीचे फोर्थ जो ऑप्शन है वहाँ पे आपका, आपको अपना ईमेल आईडी, या अगर आपने मोबाइल नंबर पर फेसबुक बनाई है तो वो मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद हमें कर देना है सेंड पे क्लिक। यस फ्रेंड, तो ये हमने दोनों लिंक पर काम कर दिया है और हमारा अकाउंट 110% रिकवर होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको, आप मेरे सब स्टेप फॉलो करते हैं तो। तो फ्रेंड, अगर आपकी आज को, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बना सकूँ।